हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम 2021 में कब होगा, कब इसके फॉर्म आएंगे और ये कितने नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, इस सब के बारे में हम बहुत छोटी सी वीडियो में एक बात करेंगे। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम होने की डेट हमारी आ गई है। एग्ज़ाम डेट, ये एग्ज़ाम होगा हमारा 1 अगस्त को, 1 अगस्त को 2021 होने वाला है और इसके फॉर्म आने की संभावना है, अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं, इसके फॉर्म आने की संभावना है अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में इसके एग्ज़ाम फॉर्म आने की संभावना है। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम का मोड कैसा रहेगा, बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। एग्ज़ाम मोड इसका अभी भी हमारा ऑफलाइन ही रहेगा, एग्ज़ाम मोड अभी भी हमारा ऑफलाइन ही रहेगा, मतलब पेपर और पेन से हम एग्ज़ाम को करेंगे, पेपर पेन से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अच्छा कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम हमारा होगा 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें आते हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आएंगे और ये एक क्वेश्चन यहाँ पे भी 4 नंबर का रहेगा, और बायोलॉजी के आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, अच्छा फिजिक्स ओवरऑल 180 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री ओवरऑल 180 नंबर की आएगी और आपकी बायोलॉजी आपकी ओवरऑल 360 मार्क्स की आएगी। टोटल जो पेपर हमारा बनेगा यहाँ पे 720 मार्क्स का पेपर यहाँ पर आएगा। अच्छा इसमें पूछा जाता, बच्चे पूछेंगे कि बताओ निगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो भैया इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। एक मतलब आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं, आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स इसमें काट लिया जाएगा। अच्छा सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस क्या रहेगा अभी नीट का, तो सिलेबस जैसा सी बी एस ई 11th 12th के अकॉर्डिंग, ही इसका सिलेबस रहेगा, जो 11th 12th की बुक्स में चैप्टर्स दिए गए हैं लगभग वही चैप्टर इसमें आते हैं और पूरा पेपर NCERT वेज्ड होगा, NCERT बेस्ड पेपर होगा कम्प्लीटली। थैंक यू।